नमस्कार, मैं अदिति झा। आप सभी का अमेजिंग टीवी पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिवाली मनाने का वैज्ञानिक कारण क्या है। दिवाली को हम दीपावली के नाम से भी जानते हैं, हालांकि दिवाली का कोई अर्थ नहीं होता तो दीपावली ही इस पर्व का सही नाम है। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों दीप अर्थात दिया और आवली अर्थात श्रृंखला के मिश्रण से हुई है। आज हम आध्यात्म के साथ साथ वैज्ञानिक कारणों की चर्चा करेंगे। वादा करती हूँ वैज्ञानिक कारण जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आइए वैज्ञानिक कारण को समझने से पहले रोचक पारंपरिक कारणों को शॉर्टकट में समझते हैं। पहला कारण, आप सभी ये तो जानते होंगे कि दीपावली के दिन प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे, जिसके उपलक्ष्य में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका भव्य स्वागत किया था। यह दिन कार्तिक माह के अमावस्या तिथि पर पड़ता है। दूसरा कारण, एक पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। दैत्यराज की मृत्यु पर प्रजा ने घी के दिए जलाकर दीपावली मनाई थी। तीसरा कारण, कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध दीपावली के एक दिन पहले चतुर्दशी को किया था। इस खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुल वासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। चौथा कारण, राक्षसों का वध करने के बाद भी जब महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ तब शिव जी ने स्वयं उनके चरणों में लेट गए। उनके शरीर के स्पर्श मात्र देवी का क्रोध समाप्त हो गया। इसी दिन उनके रौद्र रूप काली की भी विधान है। पांचवा कारण जो कि महत्वपूर्ण है, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दीपावली के दिन ही माता लक्ष्मी दूध के सागर, जिसे दूधिया सागर के नाम से जाना जाता है, से उत्पन्न हुई थी और उसके एक वर्ष बाद उनका विवाह भगवान विष्णु से उसी कार्तिक माह के अमावस्या की रात करा दिया गया। इस पवित्र विवाह को चिन्हित करने के लिए दीपों को पंक्ति में सजाया गया और उत्सव मनाया गया। जिस तिथि माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी उसी तिथि को भगवान कुबेर भी प्रकट हुए थे। हालांकि ये कथा राम जी के अयोध्या लौटने से भी पौराणिक काल की है। अब आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताएं। और अब बात करते हैं वैज्ञानिक कारण की। हम ये जानते हैं दीपावली के समय के आसपास धान की फसलें लगभग पकने को तैयार हो जाते हैं और पौराणिक काल से लेकर अभी तक भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर ज्यादा निर्भर करती है। किसानों के लिए उनकी फसल ही सब कुछ होती है। दरअसल ये वो समय होता है जब मौसम में अचानक से बदलाव होता है। गर्मी के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। मौसम के इस बदलते पड़ाव पर फसल के कीटों का प्रकोप एकदम से शुरू होता है। ऐसे में वैज्ञानिक तक इस बात को मानते हैं कि सरसों के तेल के जलने से जो धुआं वातावरण में घुलता है उसकी खुशबू कीड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसे में दीपावली पर हर कोई अपने अपने घर पर सरसों के तेल का दिया जलाता है। इतनी बड़ी तादाद में तेल का दिया जलने के कारण उससे उठने वाली खुशबू से आसपास के सारे कीड़े उनकी ओर आकर्षित होते हैं। उसके बाद दिए में जलकर मर जाते हैं। वैसे आम तौर पर आपने भी देखा होगा कि जलती लाइट के आसपास कीड़े बहुत आकर्षित होते हैं, ठीक वैसे ही जलते दीपक के पास भी होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी वजह से दिवाली पर दीयों के जलाने को शुभ के साथ साथ जरूरी भी माना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पश्चिमी देश भी दीपावली से मिलते जुलते पर्व हैलोवीन को मनाते हैं। वे भी जैक को लालटेन जलाते हैं जो कि सीधे सीधे फसल से जुड़ी है। अब ये तो आश्चर्य की बात है कि हम एक दूसरे से जुड़े हैं, फिर चाहे ये पर्व हो या भाषा। आप हैलोवीन के बारे में हमारे वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि भारत के अधिकतर पर्व फसलों से जुड़ी हैं और हर पर्व का एक ही लक्ष्य होता है, सुकर समृद्धि देना। यदि किसानों के घर अनाज से भरे होंगे तभी तो हम पेट भर भोजन कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर हमसे सीधा पूछ सकते हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।